लड्डू एक ऐसी रेसिपी है जिसे अगर आप हेल्दी वे में बनाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आज की इस रेसिपी में आप देखेंगे कि ये लड्डू टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बादाम का इंस्टेंट लड्डू जो बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप बादाम चाहिए जिसे हमें भूनना है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए एक पैन को गर्म कर लेंगे और जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा इसमें बादाम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि लगभग 7 से 8 मिनट के बाद इनके ऊपर ब्राउन चिट्टी आने लगेगी और हल्का सा धुआं भी आने लगता है। तब आप समझ जाइए कि बादाम अच्छी तरह से भून गए हैं। टाइम के हिसाब से देखें तो 10 मिनट का समय लगता है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बादाम भुन चुका है तो इसे किसी प्लेट में बाहर निकाल लीजिए ताकि ये ओवर रोस्ट ना हो। पैन हमारा काफ़ी गर्म है तो अगर आप पैन में छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा भुन जाएंगे और इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो इसे प्लेट में निकालने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे बादाम हल्के से ठंडे हो गए तो इसे एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 5 से 6 इलायची के दाने और इसे बिल्कुल दरदरा हमें ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक इसे मत पीसिए नहीं तो लड्डुओं का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के करीब घी। घी हमारा जैसे मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा था। इसमें आप बादाम के कुछ टुकड़े भी देख रहे होंगे, इन्हें इसी तरह से ऐड कीजिए। ये आपको क्रंची लगेंगे जब आप इन्हें लड्डुओं में बांधिएगा, तो इसे इसी तरह से रहने दीजिए। अब इसे लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए भून लेंगे कि ये घी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। और आलमंड में खुद का भी ऑयल होता है जो वो रिलीज़ करेगा और एक क्रमली सा बिल्कुल दरदरा सा टेक्स्चर तैयार हो जाएगा लड्डुओं का। तो यहाँ पे देखिए इसे भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार हो चुका है ये। तो इससे ज़्यादा अब इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया है। इसमें मलाई भी है, अगर आप चाहें तो प्लेन दूध ऐड कीजिए और अगर आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड किया मैंने 1/3 कप मिल्क पाउडर और इसके साथ यहाँ पे 1/2 कप चीनी ऐड कर दिया मैंने। चीनी की क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। चीनी जैसे ही इसमें मिक्स होगा वो पानी रिलीज़ करेगा और अच्छा सा एक लिक्विडी सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया हमने इसे और इसमें अभी काफ़ी मॉइस्चर है जो हमें पूरी तरह से ड्राई करना है। तो लो फ्लेम पे इसे तब तक भूनिए जब तक कि अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो लगभग इस प्रोसेस को करने में आपको 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो रहा है धीरे से और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आप फील करेंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। अब इस स्टेज पे हम इसमें भुना हुआ खरबूजे का बीज ऐड करेंगे। इनका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। इसके अलावा आप और कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खरबूजे के बीज को बिल्कुल उसी तरह से भूनिए जिस तरह से हमने बादाम को भुना था। जैसे ही वो चटकना शुरू कर दे पैन में तो आप उसे बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरह से भुना हुआ खरबूजे का बीज तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा इसे ठंडा कर देंगे तो लड्डू बांधने में मुश्किल होगी। तो लगभग यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुका है। हाथों से छू के हमने चेक किया तो अच्छी तरह से हम इसे छू पा रहे हैं और इस तरह से लड्डू भी बन रहा है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो लड्डू आप बड़ा छोटा जिस साइज़ का भी बनाना चाहे उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर लीजिए अपने हाथों में। हाथों को ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलमंड में भी अपना ऑयल होता है और हमने इसमें घी ऐड किया है तो अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाते हैं। इस तरह से दबाते हुए बिल्कुल नींबू के साइज़ का डो लिया मैंने और इसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं आटे की लोई लेके, बिल्कुल उसी तरह से। और आप देखिए कि बहुत आसानी से लड्डू तैयार हो जाएंगे और आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कितना ज़्यादा इससे घी निकला है। तो यहाँ पे हमारा लड्डू बिल्कुल तैयार है और जैसे हल्का ये गर्म रहता है तो बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बन जाते हैं। तो इसी प्रोसेस से मैं आपको दूसरा लड्डू भी बता देती हूँ।
इस तरह से मिक्सचर लेके उसे अच्छी तरह से बाइंड करते हुए अपनी हथेलियों के बीच हम रखेंगे और बिल्कुल गोल शेप में इस तरह से हम कर लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ लड्डू। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान प्रोसेस है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इन लड्डुओं को आप ब्रेकफास्ट में दूध के साथ ले सकते हैं। ये जितने हेल्दी हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी, लेकिन इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप एक वीक तक इन्हें कंज्यूम कर लीजिए। अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसे फ्रीज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इन लड्डुओं को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।